सीहोर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट कार्यालय में नीलू जैन और उनके भाई विनोद जैन ने आरोप लगाते हुए बताया कि उनके पिता प्रेमचंद जैन की जमीन का फर्जी नामांतरण कर लिया गया। उनके अनुसार उनके पिता प्रेमचंद की जमीन पर दिलीप सिसोदिया ने नागेश पटवारी और तहसीलदार एमएम शर्मा के साथ मिलकर बिना पंजीयन के फर्जी नामांतरण करा लिया। नीलू जैन और विनोद जैन ने यह आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पिता की जमीन का दाखिला खारिज नहीं होने के उपरांत भी सीहोर की तहसील बिना खारिज दस्तावेजों को चला रही है। उनके अनुसार न कोई इकरारनामे से नामांतरण किया गया, न तो रिकॉर्ड रूम में उसकी कोई पंजीयन दर्ज है, न इकरारनामा सर्टिफिकेट की कोई कॉपी है और न ही कोई वसीयत है। उसके बाद भी दो बार नामांतरण कर दिया गया। क्या नाम है आपका? मैं नीलू जैन सीओर से। क्या मामला आपका? ये मेरी जमीन का, मेरे फादर प्रेमचंद जी जैन की जमीन का पूरा फर्जी नामांतरण कर दिया गया सीओर तहसील में। बिना दस्तावेजों के जमीन चला रहे हैं वो। इकरारनामे से नामांतरण किया गया, ना उस जमीन की पंजी है रिकॉर्ड रूम में दर्ज, ना इकरारनामा सर्टिफाइड कॉपी है उसकी, ना वसीयत, जो अभी दो बार उस पर नामांतरण कर दिया गया फर्जी जमीन का, मेरी जमीन, मेरे फादर की जमीन का, और पूरे दस्तावेज रिकॉर्ड रूम में दाखिल नहीं है, तो भी फर्जी तरीके से उस पर डबल नामांतरण कर दिया गया है अभी। क्या बोलते हैं अधिकारी जब जाती हैं? मैं 3 साल से आज परेशान हूँ। मेरे को कलेक्टर सर ने आदेश दिए थे कि 15 दिन में आपकी ज़मीन की जांच हो जाएगी और ये पंजी नहीं मिली तो इन अधिकारियों पे कार्यवाही की जाएगी, लेकिन आज मेरे को 3 साल से मैं तहसील के चक्कर काट काट के परेशान हो गई हूँ। कम से कम मैंने 300 बार तहसील के जी और तहसील के चक्कर काट लिए। मेरे भाई विनोद जैन ने भी कम से कम 500-600 बार, वो 3 महीने से 500-600 बार तहसील में चले गए। अधिकारी मुझे यही बोलते हैं, आज हो जाएगी, कल हो जाएगी, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, ऐसे दो तीन दिन बोल बोल के मना कर देते हैं।